Hi children, in this video we discuss about what is molecules. Molecules क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो बच्चों यदि आपको कोई डाउट रहेगा तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और वीडियो को पूरा देखोगे, ठीक है? दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। तो बच्चों मैं बात कर रहे पहले इसका डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। क्या है? ए मोलेकुल्स इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स, ठीक है, विच आर held together strongly by some kind of attractive force, ठीक है? क्या होता है? दो भी एटम हो सकता है, एक तो नहीं रहेगा, दो हो सकता है या दो से ज्यादा एटम, वो एक attractive force के साथ joint किया हुआ रहता है, ठीक है? और such an attractive force, वो जो attractive force होता है ना एटम्स के बीच, उसको हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। या क्लास में जाओगे तो ज्यादा पढ़ो, ठीक है? या हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं कि ए मोलेकुल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड व्हिच कैन एग्जिस्ट फ्रीली। आपका एलिमेंट्स का भी हो सकता है या कंपाउंड का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हो सकता है जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, फ्री रह सकता है, कोई जरूरत नहीं किसी के साथ रहने का, ठीक है? अंडर ए ऑर्डिनरी कंडीशन, जैसे रूम है, ऑर्डिनरी कंडीशन में जैसे रूम पे आपको तो वहां आप वैसा कंडीशन में रह सकता है, वो ऑर्डिनरी कंडीशन है, स्पेशल कोई कंडीशन देने का जरूरत नहीं पड़ता। और वो क्या करेगा? सो द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का प्रॉपर्टी को भी शो करता है। तो आपको हम बता रहे बच्चों, देखो जैसे हम लोग कोई दो एलिमेंट्स को जब हम लोग कंबाइंड करते हैं, जैसे देखा होगा, ठीक है, O2 हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस का मोलेकुल्स हो गया। इसमें क्या है? दो ऑक्सीजन एटम जो है एक अट्रैक्टिव फोर्स के साथ जुड़ के ये दो एटम ऑक्सीजन मिलके एक मोलेकुल्स बनाए। हाँ बच्चों याद रखोगे, सम एलिमेंट्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका एटम फ्रीली रहता है, जिसको हम लोग नोबेल गैस बोलते हैं, ठीक है, जैसे आर्गन, वो फ्रीली रहेगा सिंगल एटम अपना, ठीक है, नियोन, हीलियम, ये जो आपका है इनर्ट या नोबेल गैस, दीज एटम्स आर फ्रीली, कारण वो क्या है किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो एक्सेप्शन है, वो अपना अकेले रह सकता है, ठीक है? जैसे ऑक्सीजन, तो ये देखोगे बच्चों ये क्या है, मोलेकुल्स बनाया, देखो दो एटम्स है यहाँ, ठीक, हम क्या बोले टू या मोर एटम्स हो सकता है, ठीक है, एक फोर्स के साथ कंबाइंड है। तो ये क्या है, ये पूरा जो ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी है पूरा शो करेगा, जो ऑक्सीजन गैस का प्रॉपर्टी होता है वही प्रॉपर्टी ये भी शो करेगा आपका उसका जो एटम है, ठीक है? अब क्या है, ये ऑर्डिनरी रहेगा, ऑर्डिनरी आप जैसे रूम में हो तो ऑक्सीजन है, हम लोग ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो ये ऑर्डिनरी में हो गया, ठीक। अब एक हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कंपाउंड का, ठीक है, तो सिंपल स्टूडेंट यू आर सीइंग, जैसे आप ले लेते हो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? तो बच्चों देखो इसमें हाइड्रोजन का दो एटम, सल्फर एक एटम, ऑक्सीजन चार एटम, ठीक है, तो टाइप ऑफ एटम सबका थ्री हो गया, और नंबर ऑफ एटम गिनोगे तो 4, 5, 6, 7 हो गया, नंबर ऑफ एटम 7 हो गया, ठीक है? तो 7 एटम मिल के आपका एक मोलेकुल्स बना, किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। ये कंपाउंड फॉर्म में आकर रह गया, अब ये फ्रीली रह सकता है, ठीक है, और ये अपना सब्सटेंस का जो ये प्रॉपर्टी होगा एसिड का वो प्रॉपर्टी ये शो करेगा, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्रॉपर्टी है वो पूरा ये शो करेगा, और ये ऑर्डिनरी कंडीशन में आपका रह सकता है, मतलब आपका ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर, रूम प्रेशर में, ठीक है, ये चीज हो गया। तो इसमें क्या आपको क्लियर हो गया, मोलेकुल्स का डेफिनेशन, ठीक है? अब जैसे ये एलिमेंट्स का मोलेकुल हुआ, ठीक है, हम अलग अलग डेफिनेशन आपको बता रहे हैं, जैसे ये एलिमेंट्स है, दो ऑक्सीजन मिला, ये क्या है, कंपाउंड का मोलेकुल्स हो गया। थैंक यू चिल्ड्रंस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।